हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंडियन कुकिंग में। और आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं डालगोना कॉफ़ी प्लस कैपेचिनो। इन दोनों का बनाने की विधि बहुत ही इजी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। इसे बनाने के लिए हम 1/4 कप कॉफ़ी लेंगे। कॉफ़ी पाउडर लेना है हमें यहाँ पे, ये इंस्टेंट कॉफ़ी है और सेम कप का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे। तो 1/4 कप शुगर, मैं यहाँ पे ब्राउन शुगर ले रही हूँ, आप चाहें तो वाइट या ब्राउन कोई भी ले सकते हैं। और सेम कप से हम यहाँ पे नॉर्मल वाटर लेंगे। और यहाँ बीट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ इलेक्ट्रिक बीटर का, आप चाहें तो हैंड बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये वाला जो मैं दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से आपको एक ही डायरेक्शन में लगातार बीट करना है तो आपकी कॉफ़ी बनके तैयार हो जाएगी इस तरह से। बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए आज मैं यूज़ करूँगी इलेक्ट्रिक बीटर। ये बहुत ईजी तरीके से 2 मिनट में बन जाता है यहाँ पर। अगर आपके पास दोनों में से कोई नहीं है तो आप मिक्सर जार में भी बना सकते हैं। सेम क्वांटिटी लेके आप तीनों चीज़ें मिक्सर जार में डाल के 2 से 3 मिनट चला दीजिए और आपकी कॉफ़ी बनके तैयार हो जाएगी। तो इस तरह से कंटिन्यू इसे बीट करना है। ये देखिए टेक्सचर एकदम चेंज होने लगा है इसका, ये देखिए एकदम क्रीमी लाना है आपको, जब तक कि आपकी कॉफ़ी एकदम सेम कलर चेंज हो जाएगा और इस तरह से क्रीमी टेक्सचर बनके तैयार हो जाएगा। तो आपको इसी तरह से बीट करना है गाइस। और अगर मेजरिंग के लिए आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं, या तो कप ले सकते हैं, कटोरी ले सकते हैं, या चम्मच भी ले सकते हैं। जैसे 2 चम्मच शुगर लें, 2 चम्मच पानी लें और 2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर लें, इस तरह से आप इसे तैयार कर सकते हैं। तो ये देखिए कॉफ़ी मिक्सचर बनके तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह से आपको सेम यही तैयार करना है, यही टेक्सचर लेके आना है। तो आज हम 2 तरीके की कॉफ़ी यहाँ पे बनाएंगे। फर्स्ट हम बना रहे हैं डालगोना कॉफ़ी। डालगोना कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कोल्ड मिल्क का यूज़ किया है। कोल्ड मिल्क ही आपको यूज़ करना है और उसके अंदर हम डाल देंगे 5 से 6 आइस क्यूब। ये बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर डालें। और फिर हम कॉफ़ी मिक्सचर इसके अंदर डालेंगे, इस तरह से अच्छे से फिल कर देना है ऊपर तक। ये देखिए तो डालगोना और कैपेचिनो की जो कॉफ़ी मिक्सचर होता है वो सेम होता है, इस तरह से जैसे मैंने बनाया है। बस उनमें दूध का जो दूध होता है उसको अलग अलग यूज़ लेना होता है, यूज़ करना होता है। ये देखिए मैंने थोड़े से चॉको चिप और कॉफ़ी पाउडर से इसको गार्निश कर दिया है, एकदम ऑप्शनल है। और अब हम यूज़ करेंगे कैपेचिनो के लिए। तो कैपेचिनो के लिए मैं यहाँ पे हॉट मिल्क का यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए हॉट मिल्क में हम कॉफ़ी ऐड करेंगे। तो गाइस है ना, बहुत सिंपल सी रेसिपी है गाइस। आप कभी भी डालगोना कॉफ़ी बनाएं या कैपेचिनो बनाएं, तो दोनों रेसिपी को एक साथ आप बना सकते हैं, जैसे आपको घर पे पसंद हो। तो आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो गाइस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।